रंजीत क्लास चैनल में झारखंड सचिवालय का मॉडल प्रैक्टिस सेट 17। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर आप न्यू व्यूअर है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें। इससे आपका प्रॉफिट होगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जी, मैं रंजीत कुमार रंजीत क्लासेस चैनल में बहुत बहुत आपको स्वागत करते हैं। चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। आप अपने कॉपी पेन भी लेकर बैठिए कि आपको प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम ना हो। देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने तुंगभद्रा दोआबा के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन नहीं लड़ी थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोलकुंडा और अहमदनगर साम्राज्य तुंगभद्रा दोआबा के लिए नहीं लड़ा लड़ा था हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल कौन किया था, तो बताना है आपको। तो तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष नवनिर्वासित करके मंडले जेल भेजा गया था? रिपीट करते रहे क्वेश्चन। पंजाब में किस कृषि आंदोलन के आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष नवनिर्वासित करके मॉडल नवनिर्वासित करके मांडले भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था? लाला लाजपत राय को। कौन सा आंदोलन चलाए थे? तो कृषि आंदोलन चलाए थे। कहाँ भेजा गया था? मांडले जेल। कहाँ भेजा गया था? मांडले जेल। कब भेजा गया था तो इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 1907 में भेजा गया था उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं रहेगा, कोई विश्वास नहीं रहेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाले कोई व्यक्ति तभी कभी इस धरती पर चला था? कहता है कि कोई विश्वास नहीं रहेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा कोई व्यक्ति कभी इस शरीर पर किस व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। तो इसके बारे में किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन बताया था ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिया हो गया है, इसमें से बताना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज जूल हो जाएगा, जॉर्ज यूल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार है, ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका दक्षिण का पठार है, दक्षिण का पठार है। कौन सा पठार है? दक्षिण का पठार, याद रखिएगा ये। आप अपना कॉपी पेन पे टिक मारते जाइए कि आप कितना सही मार रहे हैं कितना गलत मार रहे हैं, तो इसी से आपका अंदाज पता चला जाएगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बछौर अनुकूल होती है? तो रबी फसल के लिए बारे में बोला गया जा रहा है। तो अभी के इस सीजन में, गर्मी के सीजन में रबी फसल को काटा जाता है, तो बताना है इसको। तो ऑप्शन नंबर 7 को हो जाएगा सी, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बछौर, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बछौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? तो खरीफ की बताना है कि खरीफ की कौन साइंस में प्रमुख फसल नहीं है, तो ये गेहूं जो है से खरीफ का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के दोस्तों अभी जो मुख्यमंत्री है आदित्य योगी नाथ थे, और अभी है वहाँ पे आदित्य योगी नाथ अभी है मुख्यमंत्री वहाँ का है जो, और सबसे बड़ा राज्य भी हमारे उत्तर प्रदेश है। कोलंबिया की राजधानी निम्न में से कौन से, कोलंबिया की राजधानी निम्न में से कौन है? तो कोलंबिया की राजधानी निम्न में से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोगोटा। बोगोटा क्या होगा? कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, तो बोगोटा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जी। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो लास्ट में 2 क्वेश्चन आपसे टेस्ट के लिए पूछा जाएगा। अगर आप टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते आंसर बताते हैं तो आपको करेंट अफेयर्स का बुक आप जीत सकते हैं। तो प्रयास कीजिएगा गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवा निवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, ऑप्शन नंबर बी 15वां।
राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार द्वारा निम्न से प्रयोग किया जाने वाला व्यक्ति जो है, ऑप्शन जो है सो ए हो जाएगा, प्रत्योजित प्राधिकार। प्रत्योजित प्राधिकार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न से किसका संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है? तो बहुमत के बारे में बता रहा है दोस्तों, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो बहुमत के बारे में पूछ रहा है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताना है आपको। तो हो जाएगा राज्य की नीति निर्धारक सिद्धांत। राज्य की नीति निर्धारक सिद्धांत ये बताता है कि किसी का संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है, मतलब कोई भी अगर आप पे संशोधन करना चाहते हैं तो विशेष बहुमत होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय जो आपका है सो हो जाएगा, ये आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत की संसद द्वारा दल बदल कानून किस वर्ष पारित किया गया था? अब बताना है कि दल बदल कानून किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बताना है आपको। तो 1985 में, 1985 में दल बदल कानून पारित किया गया था। दल बदल का मतलब होता है दोस्तों, किस जैसे बीजेपी से चल जाए आरजेडी में, आरजेडी से आ गया बीजेपी में, बीजेपी से आरजेडी से कांग्रेस में, इस तरह से दूसरे का दल बदल बोलते हैं। जैसे विधायक के लोग जाता है ना संसद लोग, उसे को बोलते हैं। सरकार ने नरेगा का नाम बदलकर किस नए नाम से योजना लाया है? नरेगा का जो नाम बदला है दोस्तों, उसका नाम है नरेगा का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, तो महात्मा गांधी योजना। किस क्या चाहिए? महात्मा गांधी योजना। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया था? आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया था, ये 17 नंबर क्वेश्चन में है, तो बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में बताया गया था। किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नए पूंजी निर्गम किस रखे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बताना है, डैश डैश दिया हुआ है तो इसमें, तो इसका जो हो जाएगा, नए पूंजी निर्गम जो है प्राथमिक बाजार में रखे जाते हैं। किसमें रखे जाते हैं? प्राथमिक बाजार में रखे जाते हैं। इनमें से कौन आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण इसे प्रकाशित करता है, बताना है, चार ऑप्शन है इसमें। तो वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है। कितने बार ब्राजील ने फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता जीती है? तो कितने बार ब्राजील ने फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता जीती है, इसके बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 बार जीती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर में आईसी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? जी है, बता रहे हैं क्या, कंप्यूटर के लिए भी लाएंगे आप लोग के लिए एक वीडियो, जिसमें करीब 300 से 325 क्वेश्चन होगा एक ही कंप्यूटर में, एक ही वीडियो में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का वीडियो बताएंगे दोस्तों। तो आप देखिए इस चैनल को, कंप्यूटर में आईसी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो आईसी का पूर्ण विस्तार मतलब होता है फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म जो होगा आपका, जो हो जाएगा इंटीग्रेट सर्किट। क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप बता रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। किसके द्वारा किया गया था? सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा अर्थशास्त्र को नोबल पुरस्कार में देने का स्थापना किया गया था। निम्न में से पाखु पीला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाखु पीला, पाखु पीला तो समझ ही रहे होंगे, पीला का होता है, पाखु पीला लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जगमोहन महल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जगमोहन, अब जगमोहन बहुत अच्छा नाम है दोस्त, जगमोहन जो जग को मोह लेता है उसको जगमोहन बोलते हैं। तो 24 का क्वेश्चन बताना है, जगमोहन महल कहाँ स्थित है? तो जगमोहन महल जो स्थित है सो आपका है राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में। 3 मार्च 2018 को विश्व का सबसे बड़ा शक्ति स्थल का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये बताना है आपको। तो ये जो किया गया है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में किया गया है। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में शक्ति स्थल। 12 अप्रैल 2018 को किस देश ने सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त किया? तो बोलता है 12 अप्रैल 2018 को किस देश ने सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म कर दिया है? तो इसके बारे में बताना है। तो ये जो किया है बांग्लादेश, बांग्लादेश खत्म कर दिया। आपको बता देते कि बांग्लादेश से ही कोई महिला, बांग्लादेश से ही कोई बोकारो फुसरो के व्यक्ति आए थे, तो दूसरा कहा जाए तो फर्स्ट सेकेंड तीसरा पाँच हो गया है, लेकिन कहा जाए तो दूसरा कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया था।
इसका जो है इस नौकरी में आरक्षण खत्म कर दिया है। बांग्लादेश 6 मई 2018 को किस देश में पहला संसदीय चुनाव चुनाव हुआ? तो पहला संसदीय चुनाव जो हुआ है सबका ऑप्शन नंबर ए लिबन में। किस में हुआ है? लिबन में, लिबनान में। किस में? लिबनान में, याद रखिएगा, लिबनान, लिबनान। 28 मई 2018 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वरिष्ठ भारतीय महिला कौन बनी? तो ये भारतीय महिला जो बनी माउंट एवरेस्ट पर सबसे चढ़ाई करने वाली व्यक्ति सो बनी है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, बताना है, संगीता बहल। कौन है? संगीता बहल। 2018 में जो चढ़ी थी संगीता बहल चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर, वो भारतीय महिला है। 3 जुलाई 2018 को किस सरकार ने स्कूल के छात्रों के लिए हैप्पीनेस कैरिकुलम शुरू किया है? तो हैप्पीनेस कैरिकुलम शुरू किया जो है सो वो किया है आपका, हैप्पीनेस कैरिकुलम शुरू किया है जो किया आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सरकार ने। 10 सितंबर 2018 को भारत बांग्लादेश से संयुक्त रूप से कितने परियोजनाओं को शुरुआत की गई है? भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से कितने परियोजनाओं को संयुक्त रूप से शुरुआत की गई है? तो बताना है आपको, तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर सो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। चलते हैं हम लोग विज्ञान क्वेश्चन की तरफ। जाने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल भी बन देख रहे हैं तो आप बने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, ऐसा कहीं नहीं। रेड रेड डॉट रोग किस में से पाया जाता है? हम बता देते हैं आप लोग के दोस्तों कि हम एक रोग से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उससे देख लीजिए, बायोलॉजी का टॉपिक है, तो उसी से अगर वो आप पढ़ लिए होंगे तो इसको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रेड रॉट रोग किससे संबंधित है? तो बताना है आपको, तो रेड रॉट से जो संबंधित है इसे गन्ना से है। लाल सड़न भी इसी में होता है गन्ना में, और रेड लाल सड़न मतलब उसी का इंग्लिश में लिख दिया है रेड रॉट, याद रखिएगा। आलू एक उदाहरण है, तो आलू एक उदाहरण किसका है? बताना है आपको, आलू एक उदाहरण है, तो आलू एक उदाहरण है कंद का। किसका है? कंद का। केचुए में कितने आंखें पाई जाती है? अब आपको देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, केचुए में कितने आंखें पाई जाती है। अभी आप बताना है, केचुए में आंखें नहीं होता है दोस्तों, ये गलत, मैं आप स्टूडेंट लोग कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने होते हैं, बट केचुआ में दांत आंखें होता ही नहीं है। निम्न में से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व से बताना है तो ये आपका प्रोटीन। प्रोटीन 14 वर्ष के कम आयु का जो बच्चे उसके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, उसको प्रोटीन देना। एक केकड़ा में कुल कितने पाद होते हैं? तो पाद बताना है कितने पाद होते हैं एक केकड़ा में, केकड़ा तो केकड़ा में जो टोटल होते हैं आपका सो बताना है आपको ऑप्शन नंबर ए 12 होते हैं, 12। मधुमेह डायबिटीज मेलाइ मधुमेह किस हार्मोन के अल्प स्राव से होता है? डायबिटीज मलाइटिस, बताना है कि मधुमेह किसका अल्प स्रवण से होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये जो होता है सो इंसुलिन के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंसुलिन। सर्वप्रथम भेड़ा क्लोन का क्या नाम था? तो भेड़ा क्लोन का जो नाम था भेड़ा, सर्वप्रथम भेड़ा, भेड़ या भेड़ा जो ही बोलो, भेड़ क्लोन का क्या नाम था? तो ये नाम था, या आप पढ़े होंगे, नया चीज नहीं बता रहे हैं तो आपको बताना है, डाउली। क्या नाम था? डाउली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्षय रोग के उपचार हेतु क्या उपयोग किया जाता है? तो क्षय रोग के उपचार हेतु उपयोग जो किया जाता है सो आपका ए पेनिसिलिन किया जाता है। क्या? पेनिसिलिन। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षियों से फैलने वाला H5N1 बीजाणु को खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जो पक्षियों से फैलता है सर्वप्रथम खोज सर्वप्रथम कब हुई थी उसके बारे में बताना है, तो कब हुई थी तो उसके बारे में बता दीजिए आप। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी 1997 में। कब हुई थी? 1997 में। केनिस कपल्स वैज्ञानिक नाम है, केनिस कपल्स वैज्ञानिक नाम है किसका? तो केमिस कपल्स वैज्ञानिक नाम है, वो बताना है आपको, ये हो जाएगा आपका सी लोमड़ी का, गणेश कपल। साइकिल के टायर पर अचानक से फट जाना क्या दर्शाता है? साइकिल का टायर अचानक फट जाना दर्शाता है ये कि आप एंटीबायोटिक प्रक्रिया, क्या होता है? एंटीबायोटिक प्रक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, रडार का आविष्कार कौन किया था? रडार का जो आविष्कार किया था, रडार का आविष्कार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताना है आपको, डी A.H. टेलर तथा लियो सिंह ने किया था, A.H. टेलर तथा लियो सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग,
कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी अंतरों को अंतर क्या देखा जाना देख कर जान सकता है। कोई भी व्यक्ति बताता है कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों के अंतर क्या देख कर जान सकता है, तो उसको देख कर ये जान सकता है कि लेंस का आकार। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश तरंगे है, तो प्रकाश तरंगे जो आपका है सो बताना है आपको, तो प्रकाश तरंगे हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंपन के उत्पत्ति का क्या कारण है, कंपन के उत्पत्ति का कारण क्या है। तो कंपन का उत्पत्ति का जो कारण है वो आपको चार ऑप्शन दिया है बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यतिकरण। क्या हो जाएगा, व्यतिकरण। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, तो इसके बारे में बताना है। तो ये जो सबसे कम घनत्व के बारे में बताया जा रहा है सो हो जाएगा आपका 46 का सी, पेट्रोल। किस घनत्व के सबसे कम है, तो पेट्रोल। जल गैस किसका संयोजक है, तो जल गैस जो संयोजक है, जल गैस जो संयोजक है वो आपका है CO और H2 को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कोयले की खाने में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस क्या है, तो करने वाली गैस जो है कोयले खानों में विस्फोट करने वाली गैस है सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम जाना जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो 49 के बारे में बताना है आपको, तो हो जाएगा फिनोल। फिनोल को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं। खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, खोई, अब खोई समझ रहे होंगे आप कि खोई किसको कहा जाता है, तो खोई किया जाता है कागज को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब झारखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाइए झारखंड में। बोलता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के स्वतंत्र संघर्ष से लगभग अछूत रहा था, तो जो लगभग अछूत रहा था स्वतंत्र संघर्ष से वो था आपका संथाल परगना। क्या था, संथाल परगना। सिलेरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्री बरामद हुई थी, तो ये सिलेरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्री बरामद हुई थी, तो वो जो थी आपका सो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है आपको। ये था आपका 1915 ईस्वी में, कब हुआ था, 1915 ईस्वी में। घाघरा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो घाघरा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो थे बलराम भगत। कौन थे, बलराम भगत। झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ, तो झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश जो हुआ सो ऑप्शन नंबर सी, 1845 में हुआ। जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन शल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन शल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो जो उपाधि प्रदान की थी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, शाह उपाधि प्रदान की थी दुर्जन शल को। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था, तो मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक शुरुआती स्वरूप जो था हो जाएगा सुधारवादी। क्या था, सुधारवादी। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था, तो तिलका मांझी द्वारा विद्रोह का संदेश जो भेजा जाता था वो सखुआ के पत्ता से, किससे होता था, सखुआ का पत्ता से भेजा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किससे हो जनजाति के लोग राजनीति की इकाई मानते हैं, तो राजनीति के इकाई मानते हैं जो हो जनजाति के लोग वो मानते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, हाथू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, खरवार जनजाति कौन सी भाषा बोलती है, तो खरवार जनजाति खरवारी बोलती है। क्या बोलती है, खरवार जनजाति, याद रखिएगा, खरवार जनजाति जो बोलती है आपकी भाषा सो है, खरवार जनजाति जो भाषा बोलती है सो आपका हो जाएगा इसमें से बताना है आपको, ऑप्शन नंबर बी, खेरवारी। किसान जनजाति का मुख्य निवास स्थल कहाँ है, तो किसान जनजाति का मुख्य निवास स्थल पलामू में है। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो सोन नदी जो प्रवेश करती है सर्वप्रथम वो करती है ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा में। सोन नदी सर्वप्रथम प्रवेश करती है गढ़वा में जी। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन राज्यों में है, तो स्वर्ण रेखा का विस्तार जो है आपका से हो जाएगा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो झारखंड में विद्युत ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका है तापीय विद्युत। क्या है, तापीय विद्युत। बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो बूढ़ाघाट जो जलप्रपात स्थित है आपका सो लातेहार में स्थित है।
झारखंड के कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो झारखंड में आपका जो भूमि है कृषि योग्य वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 38 लाख हेक्टेयर। पालकोटा श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो पालकोटा श्रेणी जो आपका है सो गुमला में है। झारखंड में कौन सा खान एशिया का सबसे बड़ी लोहे की खान है? तो जो सबसे बड़ी खान है झारखंड में वो आपका है एशिया का सबसे बड़ी खान हो जाएगा सो है आपका नोवा मुंडी। क्या है? नोवा मुंडी। एच आई सी का पूरा नाम है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो झारखंड के किस शहर में स्थापित किया गया एच आई सी का? ये जो स्थापित किया गया है झारखंड को वो है आपका रांची में। कहाँ? रांची में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड से गुजरने वाला राष्ट्रीय राष्ट्रीय मार्ग ग्रांड ट्रंक रोड किस नाम से पुकारते हैं? तो ग्रांड ट्रंक रोड को हम लोग ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से पुकारते हैं। क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग 2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है? यह साक्षरता दर आपका है जनगणना के अनुसार सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66.40%। क्या? 66.40%। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 6 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? तो 2012 में जो बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था सो किया गया था आपका गायज अर्जुन मुंडा। किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन मुंडा के द्वारा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। झारखंड राज्य में नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में नगर परिषद की जो संख्या हो गई है सो है 20। कितनी है? 20। झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? झारखंड सबसे बड़ी जनजातियों का पर्व जैसे सरूल है। ग्राम ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ग्राम ऑफ द कोल पुस्तक के जो लेखक है सो आपका रेवे ए नोट्रोट है। निषेध निषेध अंग्रेजी के निम्न से किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? निषेध। तो जो निषेध है आपका सो आपका हो जाएगा गाइज ये ऑप्शन नंबर ए टाबू TABOO टाबू का। कुल्हान विश्वविद्यालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो कुल्हान विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया 2009 में। क्या आया था? 2009 में आया था। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था तो उसके बारे में बताना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की तो किसने प्राप्त की थी? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 का हो जाएगा बी प्रेमलता अग्रवाल। क्या है? प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता था? झरनों को जो शहर कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो गैज आपका रांची कहा जाता है। जी आप इस चैनल पे बने हैं तो चैनल पे के लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। और जो 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए बोला गया था सो आज बता देते हैं आप लोग को उस क्वेश्चन को कि आप लोग कमेंट में इसका देना है बताना है। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभा नहीं बल्कि मन है? इसके बारे में बताना है। स्वाद का वास्तविक स्थान जीभा नहीं बल्कि मन है। तो ऑप्शन दे देते हैं आपको अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद। इसको बताना। एक क्वेश्चन आपको और दे देते हैं, इसको बताना है कि भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना कब की गई थी? 1950 में, 1952 में, 1956 में, 1962 में। तो आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू गाइज सो